राधे राधे। अभिमान तथा स्वाभिमान में क्या अंतर है? अभिमान तथा स्वाभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान का तात्पर्य होता है स्व का अभिमान। बहुत माइन्यूट डिफरेंस इन दिस टू वर्ड्स। स्वाभिमान का अर्थ होता है स्व प्लस अभिमान, स्व का अभिमान, अपने का अभिमान। और जहां स्व नहीं लगा है वहां केवल अभिमान। इसका मतलब आई, मैं का अभिमान अभिमान है, और मेरा का अभिमान स्वाभिमान है। बस इसको प्योर करना पड़ेगा, इसको प्योर करना पड़ेगा। तुम्हारा मेरा अर्थात है कहाँ, मेरा क्या है? जब अभिमान के दायरे से आप निकल जाओगे बाहर, मैं इसको बहुत ब्रीफ कर रहा हूँ, अभिमान के दायरे से जब आप बाहर निकल जाओगे तब स्वाभिमान का अंकुर निकलना शुरू होगा। जब तक अभिमान है तब तक स्वाभिमान नहीं हो सकता है। अभिमान का त्याग जब होगा, मतलब मैं ऐसा हूँ, मेरे पास बहुत धन है, गाड़ी मोटर बंगला है, नौकर चाकर है, ये अभिमान है। मैं बड़ा सुंदर हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ये अभिमान है। स्वाभिमान क्या है? इनसे दूर जाना पड़ेगा। जब इन संकुचित सीमाओं को उल्लंघन कर जाओगे तब शुरू होगा अपनी जाति का स्वाभिमान, यहाँ से शुरू होता है। और देश का स्वाभिमान, अपनी राष्ट्रभाषा का स्वाभिमान। और जब आगे चलोगे तब इन सीमाओं से पार जब जाओगे तब हमें समझ में आएगा कि ये सब ठाकुर जी की रचना है, और उन ठाकुर जी का मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, इसलिए मुझे तो अपने ठाकुर जी का स्वाभिमान रहना चाहिए, क्योंकि वही मेरे अपने। अर्थात अभिमान की सीमाओं को तोड़ते हुए जब और ज्यादा विस्तार हो जाएगा तब स्वाभिमान में प्रवेश होगा, और शुद्ध स्वाभिमान भक्ति होता है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वो स्वाभिमान है। अब इसका मैं विस्तार में समय अभाव से नहीं करूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम।